दोस्तों, कैसे हो आप सब? आजकल बहुत अच्छी अच्छी कंपनी की वैकेंसी जा रही है, ठीक है। तो ये फाइनली गई अल दावा फार्मेसी सऊदी अरब में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अल दावा फार्मेसी जो है मेडिकल का जो शॉप होता है, ठीक है, उसके उसमें हेल्पर की ज़रूरत है। तो वीडियो पहले आप लास्ट तक देख लेना, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड सब कुछ बताऊँगा, वीजा सप्लायर का लगेगा कि डायरेक्ट कंपनी का वीजा है, ठीक है। और इसमें ऑफिस चार्ज भी बहुत कम है। तो वीडियो को पूरा थोड़ा आप लास्ट तक देख लेना, अगर समझ में आएगा उसके बाद से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अल दावा फार्मेसी है सऊदी अरब में। आपका कोई रिलेटिव अगर रहता होगा तो आप पता कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अल दावा फार्मेसी, इसमें सैलरी जो है 1300 रियाल है। हेल्पर की ज़रूरत है, 1300 रियाल सैलरी है, ठीक है। लेकिन इसमें 10 पास आपको होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल लाइन का है, तो आपके कम से कम पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। तो 10 पास का के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने हाई स्कूल पास किया है, 10 पास अगर आपने किया है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो देखो, वीडियो स्किप मत करना, बाद में आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ओके। फार्मेसी हेल्पर की ज़रूरत है, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए, इसलिए 10 पास इसमें मांग रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इनवाइस जो आता है ना, जैसे कोई इनवाइस आ गया, उसका आपको चेक करना है, क्लीनिंग शॉप और पूरा वो सब देखना है, शॉप को भी क्लीन वगैरह रखना है, ठीक है। और कस्टमर कोई आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको बता देना कि ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये मॉल के जैसा है होता है यहाँ पे ये अल दावा फार्मेसी, तो इसमें कोई आएगा अपने पसंद से वो लेकर के जो भी आएगा, ठीक है। और ये जो और चीज़ मैं बताता हूँ, ड्यूटी इसमें आपकी 10 घंटे की है, ठीक है। एज जो है 23 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए, 23 साल कम से कम, 33 साल ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 23 to 33 ईयर्स तक इसमें एज आपकी होनी चाहिए, ओके। और क्या है इसमें, मर्चेंडाइजिंग का है इसमें काम है, जैसे कि कोई सामान हो गया तो जैसा वीडियो में देख रहे हो, जैसे ये सब रहता है रैक में लगाना पड़ता है, पूरा दवा हो गया, जो भी फार्मेसी का जो भी क्लिनिक में जो सामान है, आपको बॉक्स जो रहता है ना उसमें सजाना रहता है, लगाना रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें है इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी सऊदी अरब का अगर एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, लेकिन आप फ्रेशर भी इसमें जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपके पास 10 पास आपको होना चाहिए, ठीक है। बेसिंग आपको इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत आना चाहिए, लुकिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेडिकल लाइन है तो एकदम लेबर कैटेगरी का जॉब नहीं है, ठीक है। थोड़ा गुड लुकिंग भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा डिसेंट लुक होना चाहिए, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो इसका इंटरव्यू कैसे होगा, सीवी सिलेक्शन हो रहा है, जिन लोगों का सीवी सिलेक्ट होगा उनका जूम पे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे जूम इंटरव्यू, सबको एक डेट बता दी जाएगी कि इस डेट पे इतने लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, तो सब लोग एक ही बार इंटरव्यू दे दोगे, ठीक है। 10-20 जितने कैंडिडेट होंगे उनका जूम इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, ओके, ठीक है। और वीजा की बात कर लेते हैं भाई, ये मेन बाइट है। वीजा डायरेक्ट कंपनी का है कि डायरेक्ट आपका सप्लायर का है? तो वीजा ये जो है डायरेक्ट आपका नहीं है, ये सप्लायर का वीजा इसमें लगेगा, ठीक है। सप्लायर का वीजा है, सैलरी आपका 1300 रियाल है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो सप्लायर वीजा में 1300 रियाल में अल दावा फार्मेसी में काम करने के लिए, तो आप लोग फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज लिख के बोलो, तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। वैसे नंबर मैं ऑफिस का डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं डाल दूंगा, मोबाइल नंबर। तो अगर आपको बात करनी होगी तो आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आप मेरे चैनल का नाम उनको बता दोगे तो हो जाएगा आपका। लेकिन पहले आपका सीवी उनको देना होगा शॉर्टलिस्टिंग के, जब शॉर्टलिस्ट आपका सीवी हो जाएगा उसके बाद से आपका जूम पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, या फिर अगर कोई और हेल्प होगी तो आप मुझे मैसेज करना। अगर मेरे थ्रू जाओगे तो मैं आपका कम से कम इसमें पैसा करा दूँगा, इसमें पैसा आपका बहुत कम लगेगा शायद, इसमें कितना है मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुझे एक बार मैसेज करना फेसबुक पे, मैं आपको बता दूँगा अगर जाने के लिए इंटरेस्टेड होगे तो, ठीक है। क्योंकि सप्लायर का है तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी रात को मिलेंगे, हर हमेशा मैं रात को 10 बजे ऑनलाइन आ ही रहा हूँ, तो कोई सवाल है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, और बस अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको पूरा चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक वीडियो भी शेयर करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत अभी जाहेज बाइक राइडर का गया है, तो उसका भी मैं जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर जाहेज में कोई बाइक चलाने के लिए आने वाला है तो उसकी वैकेंसी गई हुई है,
आप उसमें भी आ सकते हो, ठीक है। सैलरी उसमें भी अच्छी खासी है, मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो और शेयर जरूर दूसरे तक करो।